दोस्तों, अगर आपको 25,000 में एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना है और आप लोग कंफ्यूज हो एक परफेक्ट स्मार्टफोन को चूज करने में, तो घबराइए मत। आज मैं आपको 25,000 वाले टॉप 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। इन स्मार्टफोन्स में आपको 12 GB तक की रैम मिल जाएगी, 256 GB का स्टोरेज मिलेगा, 108 MP का कैमरा मिलेगा और परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल की मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको OnePlus, Xiaomi, iQOO एंड Realme इन चार ब्रांड्स के 5 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा और इन पांचों फोन्स को आप 3-4 सालों तक आराम से यूज कर पाओगे अगर अच्छे से देखभाल करोगे तो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देरी मत करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के मोस्ट अवेटेड एंड प्रीमियम ब्रांड के स्मार्टफोन के बारे में, जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था और इसका नाम है OnePlus Nord CE2 5G। देखिए यार, इंडिया में OnePlus की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है और एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पर लोग OnePlus के स्मार्टफोन को परचेज करना पसंद करते हैं। हालांकि पिछला साल OnePlus के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि OnePlus Nord 2 की काफी सारी यूनिट इंडिया में ब्लास्ट हुई है, तो इस वजह से थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर लोगों का OnePlus पर कम हुआ है और ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। अब चॉइस आपकी है, अगर आपको OnePlus पर अब भी ट्रस्ट है तो OnePlus Nord CE2 5G को परचेज करो, वरना रहने दो। और यार, मेरी मानो तो मुझे OnePlus पर भरोसा है, इसलिए मैंने OnePlus Nord CE2 5G को इस लिस्ट में ऐड किया है। चलिए अब इसके स्पेक्स की बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसकी डिस्प्ले से। इसके अंदर 6.43 इंच की FHD+ वाली AMOLED डिस्प्ले लगी है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है और Gorilla Glass 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है एंड इसकी डिस्प्ले में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ब्राइटनेस के मामले में इसकी डिस्प्ले नॉर्मल है एंड कलर्स वगैरह इसकी डिस्प्ले में आपको ठीक मिल जाएंगे। अब प्रोसेसर पर आते हैं। इसमें Dimensity 900 का चिपसेट लगा है और ये फोन टोटल 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है एंड गेमिंग में इसमें आप HD हाई सेटिंग्स में गेम खेल पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम परफॉर्मेंस को लेकर इसमें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फीचर्स भी इसी स्मार्टफोन के अंदर काफी कमाल के हैं। इसमें आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो एंड गाइस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहां पर आपको काफी बेस्ट मिलेगा क्योंकि ज्यादा ब्लोटवेयर एप्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब कैमरा वाले पार्ट की तरफ स्विच करते हैं तो इसके पीछे की तरफ 64 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो लेंस इसके बैक में लगा है और फ्रंट साइड में आपको 16 MP वाली सेल्फी मिलेगी। बैक कैमरे से 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट से 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। रियर कैमरा इसका काफी सही परफॉर्म करता है, लो लाइट के अंदर भी आपको काफी अच्छी फोटोज ये स्मार्टफोन निकाल कर देता है एंड इसका जो रियर कैमरा है वो थोड़ा नेचुरल कलर्स देने की कोशिश करता है। सेल्फी को मैं इसकी बिल्कुल ठीक बोलूंगा, सिर्फ नॉर्मल सेल्फी इस स्मार्टफोन के अंदर लगी है। सेल्फी को छोड़कर इसका रियर कैमरा आपको एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। अब बात की जाए बैटरी की, 4500mAh की बैटरी है और 65W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात की जाए रैम स्टोरेज की, तो इसके 6128 के लिए आपको पूरे 24,000 रुपए देने पड़ेंगे और 8GB की रैम एंड 128GB के स्टोरेज के लिए आपको देने पड़ेंगे पूरे 25,000 रुपए। और गाइस, इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इन स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। इसके बाद अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो गाइस, अगर आपको एक कंप्लीट परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से आपके लिए Realme GT Master Edition बिल्कुल सही रहेगा। ये फोन आपको अक्सर 20 से 25,000 के रेट में मिल जाता है और हर रोज इसका रेट आपको अलग अलग मिलेगा। डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन काफी प्यारा है और पर्सनली मुझे इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा है। चलिए अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर लगी है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है और 360Hz का टच सैंपलिंग रेट। तो गाइस, जाहिर सी बात है स्मूथनेस इसकी डिस्प्ले में आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी एंड डिस्प्ले की क्वालिटी भी इसमें आपको काफी बेस्ट मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की ताकत की। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 778G का वेरी पावरफुल चिपसेट, इसमें आपको एकदम फ्लेक्सिप लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी और ये स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है एंड गाइस, रियली ये स्मार्टफोन आपको एक एक्सीलेंट लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। इस स्मार्टफोन से आप किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को वेरी स्मूथली खेल पाओगे, कोई भी लैग इशू या फिर परफॉर्मेंस इशू यहां पर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स की। इसमें आपको 5GB की डायनेमिक रैम मिलती है, यानी कि आप 5GB तक रैम को इंक्रीज कर पाओगे। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 3.5mm का जैक है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्यारे से कैमरा की। तो इसके बैक में 64 MP का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 32 MP की सेल्फी मिलेगी। बैक कैमरे से 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरे से 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन ठीक है, लेकिन आपको अगर इससे भी अच्छा कैमरा चाहिए तो इसके बारे में मैं आपको लोगों को वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो अगर आपको एक
अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी पावर की। 4300 mAh की बैटरी है और 65 वोल्ट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। रैम स्टोरेज की बात करते हैं तो इसके 6/128 वाला वेरिएंट आपको 20 से 25000 के प्राइस में मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको 20 से 25000 के बजट में एक ऑलराउंडर टाइप वाला अच्छा स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग Realme GT Master Edition को परचेस कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए एक सुपर फास्ट स्मार्टफोन लेना है तो आपके लिए iQOO Z 5G बेस्ट ऑप्शन है। 12GB रैम और 256GB के स्टोरेज के साथ आने वाला ये सिंगल स्मार्टफोन है जो कि आपको 24000 की कीमत में मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के धमाकेदार स्पेक्स के बारे में। इसमें 6.6 इंच की FHD प्लस वाली डिस्प्ले लगी है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। एंड इसकी डिस्प्ले में आपको पांडा ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिल जाती है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन आपको एक काफी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। कलर्स वगैरह इसकी डिस्प्ले के काफी ठीक है, बट यार अगर एमोलेड डिस्प्ले होती तो और भी ज्यादा अच्छी बात थी। चलिए अब बात करते हैं इसकी ताकत की। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल चिपसेट। इसका अंतुतु स्कोर 5,70,000 के प्लस है और ये स्मार्टफोन सिर्फ दो ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, बट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। इससे आप किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को वेरी इजीली खेल पाओगे। एंड अगर आपको एक हैवी टास्क करने के लिए एक तगड़ा और मजबूत स्मार्टफोन लेना है तब भी iQOO Z 5G आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, LPDDR5 रैम है, 3.5mm का जैक इसमें आपको मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड मिलेगा एंड इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्यारे से कैमरा की। तो इसके बैक में 64MP का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी मिलेगी। भाई कैमरा इसका काफी डिसेंट परफॉर्म करता है और इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की। तो इसके 12GB की रैम और 256GB के स्टोरेज के लिए आपको पूरे 24,000 रुपए देने पड़ेंगे। अमेजोन पर 3,000 का कूपन अप्लाई करने के बाद ये स्मार्टफोन आपको 24,000 की कीमत में मिल जाएगा। एंड गाइस, सच में यार इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये फोन सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो गाइस, अगर आपको गेमिंग के लिए एक तगड़ा स्मार्टफोन लेना है या फिर 12GB की रैम और 256GB के बड़े स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं। अगर आपको 108MP का कैमरा चाहिए या फिर आपको MI की ब्रांडिंग वाला फोन चाहिए तो इन दोनों कंडीशन में आप Xiaomi 11i को परचेज कर सकते हो। मैं आपको 67 वोल्ट के चार्जर वाला फोन रिकमेंड कर रहा हूँ, ना कि 120 वोल्ट के चार्जर वाला, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। बट यस गाइस, 120 वोल्ट चार्जर इज अमेजिंग, पर 67 वोल्ट भी काफी ज्यादा होता है। 5160mAh की बैटरी है और 67 वोल्ट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। बैटरी एंड चार्जिंग वाला पार्ट इस स्मार्टफोन का काफी कमाल का है और कमाल का ही इसमें आपको कैमरा मिलता है। इसके बैक में 108MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16MP वाली सेल्फी मिलेगी। इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इस स्मार्टफोन का आपको एक अच्छे लेवल की फोटोज निकाल कर देगा। प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें आपको बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है। 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर लगी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। एंड यहां पर आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड इसकी डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। तो भाई डिस्प्ले तो इस स्मार्टफोन के अंदर बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की लगी है। चलिए अब बात करते हैं ताकत की। तो इसमें लगा है Dimensity 920 का चिपसेट। इस स्मार्टफोन से आप वेरी हाई अल्ट्रा सेटिंग्स में किसी भी गेम को खेल पाओगे और ये स्मार्टफोन 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी मजबूत मिलेगी, मतलब कि एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की। 3.5mm का जैक है, इसमें स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं एंड सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। और इसके 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 3GB की वर्चुअल रैम मिल जाती है और 6GB की रैम वाले वेरिएंट में 2GB की वर्चुअल रैम मिलती है। एंड यस गाइस, ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है। चलिए अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की। तो इसके 6GB की रैम और 128GB के स्टोरेज के लिए आपको 24,500 रुपए देने पड़ेंगे। सो फाइनली अब हम वन ऑफ द लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं और ये फोन हमारी इस लिस्ट में टॉप पर है। और इसी लेटेस्ट स्मार्टफोन का नाम है Realme 9 Pro Plus। 6.4 इंच की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन के अंदर लगी है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट।
एंड इसकी डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी इसमें आपको काफी अच्छी मिलेगी, जिससे आपको मल्टीमीडिया वगैरह में काफी ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, जो इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइट पॉइंट है। इसके बैक में 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और इसके प्राइमरी कैमरे में सोनी IMX 766 का सेंसर लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी। इसके बैक कैमरे में OIS मिल जाता है, पर ये वीडियो पर काम नहीं करता, EIS काम करता है और बैक से आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरे से ओनली 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका कैमरा कलर्स को ज्यादा बूस्ट कर देता है, लेकिन लो लाइट के अंदर एक अच्छी फोटोज निकाल कर देता है। एंड नो डाउट कैमरा वाला पार्ट इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, काफी अच्छे फोटोज इसके दोनों कैमरों से आप निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं ताकत की। Dimensity 920 का चिपसेट इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है और ये स्मार्टफोन 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलेगी, कोई भी मेजर इशू इसकी परफॉर्मेंस को लेकर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले मिलेगा एंड इसमें 3.5mm का जैक है। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी कि एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। और ये स्मार्टफोन वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, यानी कि गेमिंग के टाइम पर काफी कम हीट करेगा। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। 4500mAh की बैटरी है और 65W का चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन ये 60W से चार्ज होता है और इसमें 6nm वाला प्रोसेसर लगा है, तो 4500mAh को भी आप काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे। अब बात की जाए रैम स्टोरेज की, तो इसके 8/128 का ओरिजिनल प्राइस है 27,000 रुपए, बट ऑफर लगाकर ये स्मार्टफोन आपको 25,649 की कीमत में मिल जाता है। तो गाइस अगर आपको एक ऑलराउंडर टाइप वाला बेस्ट स्मार्टफोन लेना है 25,000 के बजट में, तब आप लोग रियलमी 9 प्रो प्लस को परचेस कर सकते हो। इसका रियर कैमरा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। तो भाई ये थे 25,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन, जो आपको हर फील्ड के अंदर एक टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएंगे। वैसे मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा, बट अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता IQOO Z 5G को। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।